लॉक एंड की का लाइव एक्शन वर्जन देखने के लिए हमने काफी वेट किया है और फाइनली नेटफ्लिक्स ने लॉक एंड की का लाइव एक्शन सीरीज रिलीज कर दिया है, लेकिन क्या ये वेब सीरीज देखने लायक है? लॉक एंड की बेस्ड है ग्राफिक नॉवल पर, जिसे जो हिल ने लिखा था। सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है लॉक के तीन बच्चों पर, टाइलर, किन्सी और बोडी पर। इन तीनों के पिता रेंडल के मौत के बाद उनकी मदर नीना इन तीनों बच्चों के साथ अपने ही पुराने घर में रहने जाती हैं, जिस घर के बारे में ना इन तीनों बच्चों को पता होता है और ना ही उनकी माँ नीना को। ये घर एक जादुई की हाउस होता है, जहां अलग अलग तरह की जादुई चाबियां मिलती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीरीज बच्चों के लिए है, तो आपको बता दें कि इस सीरीज को 18+ रेट किया गया है। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है, जिसे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। लॉक एंड की के सीजन 1 का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और इसके और भी सीजन बनाए जा सकते हैं। इस सीरीज में सारे कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और आप सारे कैरेक्टर से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। सीरीज में दिखाए गए घर और कीज की मिस्ट्रीज आपको इस सीरीज को बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। इन तीनों बच्चों के फादर का मर्डर क्यों हुआ और क्या है घर और चाबियों का रहस्य, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के 4 या 5 एपिसोड तक सीरीज थोड़ी स्लो है, लेकिन सीरीज के एंड में जो ट्विस्ट है और जिस तरह से सीरीज को एक्सप्लेन किया गया है, वो काफी अच्छा है। लॉक एंड के सीजन 1 को देखने के बाद आप इस सीरीज के सेकंड सीजन का भी इंतजार करने लगेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सीरीज थोड़ी स्लो है और यही सीरीज का वीक पॉइंट है, जिसे हम इस सीरीज के एंडिंग को देखने के बाद इग्नोर कर सकते हैं। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन और सीरीज का VFX काफी अच्छा है, जिस वजह से ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज बनती है। बात करें अगर इस वेब सीरीज के रेटिंग की, तो IMDB पर इसे 7.8 स्टार दिया गया है और हम इस वेब सीरीज को 4 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Shazam!